ठीक है, आप ही टोके हैं, ठीक है। कह रहा हूँ, नहीं कहूँगा, आप उनसे बात कहिए ना कहिए, लेकिन आप ही बात को टोके हैं। फिर कह रहा हूँ, आप मत कहिए। हाँ तो ठीक है, यहाँ से जाइए तुरंत। जा रहे हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप उनको हम नहीं जाएंगे। अब बताइए, दुकान आपकी थोड़ी है भैया, क्या कहेंगे तो जाएंगे, नहीं कहेंगे। आप पहले बोले हैं, हम बोले हैं कि आप बोले। हाँ तो ठीक है, आप चुपचाप रहिए, हम जा रहे हैं बस। हाँ जनमल लड़का रोज नहीं चला, नहीं नहीं कौन से काम करते हैं चाचा जी, बताइए तो सही, उसके बाद बता रहे हैं। एक का ना है, बताओ ना। लॉलीपॉप दोस्तों, आज का कुछ ऐसा चैलेंज होने वाला है, जैसे हम लोग 1 रुपया के 100 रुपये में कन्वर्ट करेंगे, यानी करेंगे है। 1 रुपया आपके सामने है, इस 1 रुपया से हम चाहे एयर टॉफ़ी चाहे एयर टॉफ़ी, मतलब 2 टॉफ़ी है, तो इस टॉफ़ी को हम 1 रुपया के अधिक में बेचने वाले हैं, 2 रुपया 10 रुपये जितना में कोई लेता है। अगर कोई ऐसा चैलेंज नहीं लेता है तो फिर हम लोग एक सादा पेपर लिए, 1 का 2 देना है। जैसे मानिए उसे बोलेंगे 1 रुपया आपको देना है, अगर हम लोग गिराएंगे, जैसे मानिए आई किशन है लो बात है, तो ऐसे हम लोग गिराएंगे, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, और गिरते समय अगर पकड़ लेता है तो उसको हम 1 का 2 देंगे, तो अगर 10 रुपये लगाता है तो 10 का 20 देंगे, 1 रुपये अगर लगाता है तो 1 रुपये का 2 रुपये देंगे, ऐसे करके। तो इसका ध्यान भटका के हमको कैसे भी गिरा देना है। अगर गिर जाएगा तो भाई, अगर 10 का लगाया तो 10 रुपये देगा, 1 रुपये का लगाया तो 1 रुपये देगा, अगर पकड़ लेता है तो 1 रुपये लगाया तो 2 रुपये देंगे, 10 रुपये लगाया तो 20 रुपये देंगे, ऐसे करके कुछ चैलेंज होने वाला है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें देखते हैं मतलब क्या रिएक्शन आता है और मिल पाता है कि नहीं। बस 1 घंटा के मतलब हम लोग टाइम लिए हैं, 1 घंटा के अंदर करना है, तो चलिए चलते हैं और करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो दोस्तों हम लोग बेइज्जती कराने के लिए जा रहे हैं, पहला बार देख रहे हैं क्या बोलता है भाई, एक दिख रहा है। भैया टॉफी खरीदेंगे क्या? टॉफी क्या? टॉफी जैसे वहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है, हम लोग यूट्यूबर हैं और चैलेंजिंग वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसे मानिए 1 रुपये की टॉफी है, 1 रुपये के 1 घंटे के अंदर हम लोग को 100 रुपये बनाना है, तो 1 रुपये की टॉफी को 2 रुपये दे सकते हैं, 5 रुपये दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 1 रुपये ऊपर दे सकते हैं। अगर ये नहीं दे सकते हैं तो जैसे मानिए वाइट पेपर है, तो जैसे मानिए ऐसे हम पेपर आपको छोड़ेंगे, इसको पकड़ना होगा, पकड़ लेंगे तो 1 रुपये का 2 रुपये देंगे, अगर 1 रुपये साथ लगाते हैं तो 2 रुपये देंगे, 10 रुपये लगाते हैं तो 20 रुपये देंगे, दुगुना करके। तो क्या मतलब भाग लेना चाहते हैं? नहीं। क्यों? आगे लो भाई, यहाँ पे पोपट हो गया भाई, कह रहा कि नहीं लेना है भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया, चैलेंज ही नहीं ले रहा। तो चलो देखते हैं कोई और मुल्ला पकड़ते हैं, तो चलो देखते हैं कोई और मुल्ला पकड़ते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हर चीज खास है, अब है जो है वस... तो दोस्तों कोई मिले फिर उससे हम करते हैं, एक उधर भाई दिख रहा है बाइक पे, उससे करते हैं क्या? ना हाँ यहाँ पे आ जाओ टेबल पास। ये भैया के पास आए तो भैया भाग गए। भैया जैसे हम लोग एक यूट्यूबर हैं, चैलेंज वीडियो शूट कर रहे हैं, ये टॉफी है, 1 रुपये की टॉफी, आपको भी पता है हमको भी पता है। आगे सर जाऊँ यार, सड़क उधर। तो इस टॉफी को हम लोग बेचने वाले हैं, ठीक है, 1 रुपये के टॉफी है, लेकिन 1 रुपये हम नहीं बेच सकते हैं, इसको बढ़ा के बेच सकते हैं, 1 रुपये इसके आते 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ऐसे करके। 1 घंटे के अंदर हम लोग को 100 रुपये बनाना है, तो क्या टॉफी खरीदेंगे? कितना टॉफी देंगे? जैसे 1 रुपये का है, ठीक है, आप इससे अधिक दे सकते हैं, हाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जैसे करके। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। जैसे हम लोग यूट्यूबर वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे मुझे थैंक यू भैया। अगर ये वीडियो देखना होगा तो यूट्यूब चलाते हैं, तो 10YXYZ नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए थैंक यू भैया। तो फाइनली 1 रुपये के 2 रुपये मिल गया। हाँ भाई सही है, वहाँ पे खरीदें इस दुकान पे आप, ठीक है। अरे महाराज कोई कुछ मिला थोड़ी देगा, अभी खुला भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपये का 2 रुपये मिल गया, पहला चैलेंज नहीं बल्कि दूसरा चैलेंज में मतलब अब समझिए 98 रुपये और हम लोग को करना है। दो रुपये कमाए, 1 रुपये का 2 रुपये, तो 2 रुपये का हम लोग कुछ किनते हैं, उसके बाद 2 रुपये से अधिक में बेचते हैं। आए, 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 हम ना आए।
भैया कोई चॉकलेट है क्या 2 रुपये वाला? कोई नहीं यार 2 रुपये वाला कोई चॉकलेट है? कुछ भी टॉफी वॉफी मतलब 2 रुपये? लॉलीपॉप कौन लॉलीपॉप? लॉलीपॉप मिलेगा 2 रुपये? 1 रुपये वाला? 2 रुपये वाला दे दीजिए। ये 2 रुपये मिलता है? मैंने पहले ही बोला 2 रुपये। आ जाओ हम लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 रुपये वाला लॉलीपॉप लिए हैं और इसने मजा आएगा मजा आएगा इसको हम देखते हैं कौन पर हम बेच पाते हैं तो ग्राहक मिले था तो कोई एक उधर दिख रहा हो भाई दिख रहा है वहाँ पे मोबाइल चलाते हुए वो लेगा कि नहीं क्या करें चले आओ चलते हैं देखते हैं क्या करें बस भैया जैसे एक लॉलीपॉप आपके सामने की नहीं है ठीक है तो इसको 2 रुपये हम लोग खरीदते हैं 2 रुपये से अधिक में बेचना चाहते हैं जैसे हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट करें यूट्यूब चैनल से आपके हाथ में फ़ोन है सर्च करके देख सकते हैं चैनल ठीक है तो क्या लेंगे 1-2 रुपये से अधिक में मतलब 2 रुपये के अलावा 4-5-10 रुपये जो रुपये आपको उचित लगे उतना रुपये दे सकते हैं अगर लेते हैं तो ठीक है नहीं तो एक गेम है जैसे मानिए ये पेपर है ठीक है ये पेपर हम गिराएंगे अगर आप पकड़ लेते हैं तो 1 रुपये का 2 रुपये 10 रुपये का 20 रुपये जैसे मानिए गिरा रहे हैं 10 रुपये सत है अगर पकड़ लेंगे तो 20 रुपये देंगे नहीं पकड़ पाते हैं तो मतलब आपको 10 रुपये देना होगा तो दोनों में से कौन सा चैलेंज लेंगे मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है 1-2 रुपये का है 2 रुपये का 5 रुपये भी दे सकते हैं 10 रुपये ठीक है क्या जी कौन गाँव से बड़ा गाँव यहीं बड़ा माधव जानते हैं तो ये कारपोर्ट करो था यूट्यूब चैनल का नाम सुने चैनल में रोज आप कौन से काम करते हैं जनमल लेकर रोज यूट्यूब नहीं चलाओ नहीं नहीं कौन से काम करते हैं चाचा जी बताइए तो सही उसके बाद बता रहे हैं एक का ना है बताओ ना लॉलीपॉप टीका करके ले ले बाबा इसको हम लोग बेच रहे हैं तार उम्र तो नहीं गई बेचे लायक कंट्रोल नहीं है लेकिन दुकान खोल के एक्सपेरिमेंट है ठीक है ये आप यूट्यूब चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं चलाए जी बाबू दुनिया में जे मोबाइल ले ले बस सब यूट्यूब चला बड़ी जल्दी मान गई ये बात चलाता है चला वाला ना हाँ चलाता है उससे वीडियो देखे हैं वो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ठीक है आइए फालतू में नहीं करना इससे हम लोग इनकम मिलता है अच्छा ये कह के वो रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर देखिए रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ करिए भैया तो लेंगे तभी नहीं लेंगे तभी कोई बढ़ियाई भी नहीं है रिकॉर्ड करिए नहीं लेंगे चलिए ठीक उनके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है लेंगे फिर नहीं लेंगे वो पहले बात आप पूछिए कि ये कुछ बातें करना चाहता नहीं देखिए अंकल जी सोशल एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है ना कि बिना पूछे हुए बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते नहीं 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 मेरा मूड है आप तुरंत जाइए प्रैंक देखें इससे बात ना करिए प्लीज ठीक है मत बात करिए ना एक भी वर्ड मत बोलिए प्लीज शांत हो जाइए ना 2 बार का दिया अब नहीं कहूँगा सरक सरक उधर ठीक है आप ही टोके हैं ठीक है कह रहा हूं, नहीं कहूंगा आप उनसे बात कहिए ना कहिए लेकिन आप ही बात को टोके हैं फिर कह रहा हूं आप मत कहिए तो ठीक है यहां से जाइए तुरंत जा रहे हैं लेकिन ये लॉलीपॉप उनको हम नहीं जाएंगे अब बताइए दुकान आपकी थोड़ी है भैया क्या कहेंगे तो जाएंगे नहीं कहेंगे आप पहले बोले हैं हम बोले हैं कि आप बोले हाँ तो ठीक है आप चुपचाप रहिए हम जा रहे हैं बस हाँ बस चुपचाप रहिए नहीं समझते तो मत समझिए लेकिन बार बार बोलिए मत फालतू में तो देख सकते हो ऐसे कुछ मतलब लोग मिलते हैं जो मतलब अब उनके क्या कुछ कहें समझते हैं ये नहीं है और बकवास करेंगे दुनिया भर के तो आओ हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होती है यार लोग क्या क्या इसके बारे में सोच रहे हैं मतलब जान रहे हैं हम लोग फालतू हैं जैसे चूतिया हम लोग हैं ठीक है पूछे क्या है लोग से लेडीज लोग से पूछे पंगा हो जाएगा चलिए इधर से भाई रुकिएगा रुको ना यार तो गाइस तो भाई को डर लगा दोस्तों आपने वहाँ पे देखा क्या हुआ बताओ किशन क्या हुआ क्या हुआ पंगा हुआ और बहुत हुआ? बड़ा पंगा हो गया एक्चुअली वहाँ पे हम लोग गए थे ऐसे नॉर्मली मतलब बात किए तो जो जिससे हम लोग बात कर रहे थे वे बंदा नहीं बोला तीसरा बोल रहा था तो उसको बोलना नहीं चाहिए था बट बोला तो उसके बाद मतलब काफ़ी समय लॉस्ट हो गया हम लोगों को ऐसे 2-3 लोगों से और हम लोग मिले तो वो लोग भी इस चीज़ को नहीं समझे एक बंदा समझा तो 1 रुपये का 2 रुपये दिया जो कि हम लोग लॉलीपॉप इससे कीने थे ठीक है वही उसको बेच रहे थे लेकिन नहीं बिका मात्र अंतर यही है शहर और देहात में कि शहर के लोग इस चीज़ को समझते हैं और देहात के लोग ये समझते नहीं है तो अभी हम लोग गाँव से मिलोंग करते हैं थोड़ा सा वहाँ से दूरी पड़ता है हम लोग एक ज़िला है तो यहाँ पर आए थे कस्बा में वीडियो शूट करने के लिए बट यहाँ पर वो चीज़ें हो नहीं पाई ठीक है
तो ये मतलब अगर मुंबई दिल्ली में हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो शायद हो जाती है, बट ये देहात में नहीं हो पा रहा, इस चीज़ को लोग समझते नहीं है, इसकी वजह से तो काफ़ी बड़ा पंगा होगा। एक चीज़ और है, इस वीडियो को हम लोग पूरा कवर करते हैं लेकिन टाइमिंग दिए थे एक घंटा दिए थे और उसमें हम लोगों को लगभग 50 मिनट हो गया था, 10 मिनट और बाकी था, 10 रुपये में 98 रुपये बनाना था, तो मानिए अब 50 मिनट में जब 2 रुपये बना तो 10 मिनट में कहाँ से 98 रुपये बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हम लोग मतलब इस वीडियो को यहीं पे एंड करें। आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में अपना राय देना कि आप तो इस वीडियो से क्या सीखे हो, क्या आपको लगता है इस चीज़ को मतलब देहात में करें कि नहीं करें, जो भी आपका राय है कमेंट बॉक्स में देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।